तो बच्चों आज आठवीं क्लास के लिए हमारा आज का टॉपिक विषय है सब्जेक्ट राग के बारे में आज बात करेंगे। आज का हमारा राग है भूपाली। भूपाली जो है वो पहला ही राग है, हम लोगों को जब हम पढ़ते थे तो यहीं से शुरू कर देते पढ़ाना। दक्षिण भारत में कन्नड़ म्यूजिक में मोहनम नाम का राग है, जिसको हमारे सिलेबस में भी दे रखा है, लेकिन हमारे इसमें इससे मिलता जुलता राग जो है वो है भूपाली। इसको भूप राग भी कहते हैं, भूप ओनली, भूपाली नहीं, लेकिन दूसरा नाम इसका भूप भी है। तो इसका भूपाली राग, इसका ठाट जो है कल्याण है। आप लोग इसको नोट भी करते जाइएगा जब देखेंगे, तो कल्याण ठाट है इसका। और राग में म और नी वर्जित है, इस कारण इसकी जाति जो है ओडव प्रकार की है। वादी स्वर जो है इसका ग है और समवादी स्वर ध है। और इसका गाने का समय जो है वो रात्रि का प्रथम प्रहर, प्रथम प्रहर से मतलब है शाम को 6 बजे के बाद में, मतलब शाम हो जाने के बाद इसको गा सकते हैं 9 बजे तक। कल्याण के जो भी राग है वो इसी टाइम गाए जाते हैं। और इसका मैं कल्याण का म नहीं आने के वजह से, म अगर आता है तो कल्याण जो है यमन में इसमें तीव्र म का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें म आता ही नहीं है, तो ये जो है इसमें सारे स्वर जो है शुद्ध आते हैं। और प्रकृति जो इसकी थोड़ी गंभीर प्रकृति का राग है, इसमें गंभीर प्रकार के गाने जो है वो गाए जाते हैं। और इसके जो हमारे जब हम लोग शुरू करते थे तो इसके आरोह अवरोह और वगैरह जो हम सीखते थे, हम यहाँ इसके आरोह अवरोह की बात करेंगे, जाके देखेंगे इसको, बाद में आप लोग भी इसको गाने का प्रयास करें। ये जो सा है तार सप्तक का, इसलिए इसके ऊपर एक वो बिंदी भी लगाई है, से समझ में आ जाए आपको। आरोह और अवरोह में सा द म ग, सा रे ग म ध ग, सा है। और इसका जो पकड़ है सारे ये जो इसमें म को भी टच करके गाते हैं, इसमें लिख के इतना समझ में नहीं आता जितना गाने से आता है। ऐसा जब होता है तो ये निश्चित समझ है कि राग ये भोपाली ही है। तो ये हुआ इसका पकड़ और ये सारे गरे गा। तो और एक इसके लिए इसका बायोडाटा जो है राग याद रखने का एक मंत्र और भी है। हम जब छोटे थे तो इसका हमको लक्षण गीत सिखाते थे, तो ये हम मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको याद रह जाएगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सुनोगे तो आपको जो पुरानी परंपराएं हैं इसके हिसाब से याद रहेगा। गंभीर शांत रस मनीवर जीत ऑडव सब ग,
गावत भूप रूप गंभीर शांत रस रुचिर तृतीय सुर सोहत वादी रुचिर तृतीय सुर सोहत वादी पग संगत धैवत संवादी केय प्रथम निषधा सारव भूप रूप गंभीर शांत रस, ये इसका रस जो है शांत है। और मणि वर्जित औडव सब गाव, जाति है जिसकी औडव है मणि वर्जित है। रुचिर तृतीय सुर, तृतीय मतलब तीसरा सुर जो है वादी, तृतीय स्वर है ग। रुचिर तृतीय सुर सोहत वादी, वादी के रूप में सोभायमान है। पग संगत धैवत मतलब ध समवादी, गेय प्रथम निषा गाने का है इसको, और ये इस प्रकार से याद रखोगे तो हम इसको याद कर सकते हैं। तो ये है ना, ये भोपाली राग है, इसको हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये है ना कजरारे। इस प्रकार से जो गाने कुछ एक फिल्म में दिल हुम हुम करे घबराए, ये सब जो गाने हैं इस राग के बंदिश को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। आप इसको सुनोगे है ना, दम 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 करे तो ये भी भोपाली राग में बनाए हुए हैं, इसका जो रूप है। तो आप इसको ध्यान से सुनोगे और याद रखोगे घर और इसका अभ्यास करोगे, नोट में लिखोगे और इसको याद करना। अपने घर में रहिए, बाय बाय, टेक केयर।